नंबर टू जो मैच फाइव से कैसे रहेगा इनका परफॉर्मेंस। यप एंड यहाँ पे पॉइंट्स से बल आते हैं, सोल एट द बॉटम, फनेटिक एट 13, मेनेलिट एट 14, ऑरेंज एट 12, टीम कैसो एट 11, पिक एट 10, यूरोबैंक एट 9, सिनर्जी डूइंग गुड 20 पॉइंट है, उनके पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेगा से, कुछ 6 पॉइंट का डिफरेंस है, सो सिनर्जी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। चार मैच में उन्होंने ऑन एन एवरेज 5 पॉइंट निकाले हैं, दे डिड अ ग्रेट जॉब। पर यहाँ पे किसी द मार्जिन जो कि फर्स्ट 4-5 टीम्स में आई थिंक बहुत ज़्यादा मार्जिन है, टेम्पो स्टॉक 38 के साथ है, 4AM जो कि नंबर में बैठे हैं उनके पास डबल से भी ज़्यादा पॉइंट्स है, 54 किल्स है 4AM के पास, एंड मतलब क्या ही किल्स लेके बैठे हैं। एग्जैक्टली तो टीम XQF जस्ट हल्का सा ट्रेल कर रही है, एक दो गेम अगर अच्छा परफॉर्म कर देती है या फिर 4AM जल्दी एलिमिनेट हो जाती है देन XQF वापस से लीड ले लेगी, एंड DKG भी धीरे धीरे इन द रेस आ चुकी है। बट सरप्राइजिंग जो एलिमेंट है हमारे लिए दैट इज T9, दैट इज द सरप्राइजिंग टीम जो किसी ने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था। वी एक्सपेक्टेड साउथ ईस्ट एशियन टीम जैसे कि टीम मेगा कॉन्करर या फिर दूसरे जो स्क्वाड्स आए हैं वो अच्छा परफॉर्म करते, बट यहाँ पे NA टीम्स मेकिंग देयर मार्क इन पीसकीपर एलीट चैंपियनशिप। व्हाट एन अमेजिंग प्ले, डेफिनेटली NA टीम्स कितना अच्छा फाइट दिखा रहे हैं, क्लाउड एंड टेम्पो स्टॉर्म कमिंग आउट ऑन द टॉप, एंड मीनवाइल यहाँ पे KO, अगर यहाँ पे इस गेम की अगर हम MVP के बात कहें तो स्वेनोवो जो कि 4AM के मुझे फ्रंट असॉल्टर लगते हैं, काफ़ी अच्छा गेम प्ले, 8 एलिमिनेशन, 12 नॉकआउट्स, 1500 का डैमेज फिर से, एंड एलिमिनेशन लीडर्स स्वेनोवो और पैराबॉय के पीछे फाइट जारी है, स्वेनोवो के पास 20 किल, पैराबॉय के पास 17 किल, बट यस ये फाइट चलता रहेगा और 4AM के पूरी स्क्वाड लीड करते हुए 5 में से